सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग भी बढ़िया होंगे। वेलकम टू बैक माय चैनल। गाइस, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ नई वीडियो। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि हम एआई की मदद से अपने फ्री फायर की एक फनी वीडियो कैसे बना सके। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो भाई लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो ऐसी एआई वाली वीडियो नहीं बन पाओगे। ये वीडियो मैंने खुद ने बनाई है। भाई लोग, मैं इस वीडियो का आपको फ्री टू यूज क्लिप भी दूंगा, जिससे आप इसको आराम से यूज कर सको। सो भाई लोग, आप भी चाहते हो मेरे तरह मस्त वाली वीडियो एडिटिंग करना, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहे। तो भाई लोग, आप में से किसी का एक का कमेंट आया था कि केस भाई आप भी हमें प्रमोट करा करो। भाई लोग, अगर तुम भी मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी तुम्हें जल्दी ही सपोर्ट करूंगा। भाई लोग, मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी दो चैनल को जरूर प्रमोट करूंगा। आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोड डालना है, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। जिसने भी वो कोड डाल दिया, मैं कोई दो चैनल को जरूर प्रमोट करूंगा अपने आने वाली अगली वीडियो में। भाई लोग, आप भी चाहते हो ऐसे मस्त वाली एडिटिंग करना, तो भाई लोग आपको उसके लिए पहले चाहिए होगी क्लिप। वो क्लिप आपको एक वेबसाइट पर मिलेगी, उस वेबसाइट पर मैं आपको अभी ले चलता हूँ। तो भाई लोग, आपको अगर वेबसाइट का लिंक चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं एक बार आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक अपनी वीडियो की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाना है। मेरे अबाउट सेक्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो भाई लोग, आपको साइन इन विद गूगल करना पड़ेगा। तो करने के बाद में कोई भी एक आईडी जोड़ लो, मैं भी अपने को एक आईडी जोड़ लेता हूँ। सो भाई लोग, आपके सामने दो सर्वर आ जाएंगे, वेव और डिस्कॉर्ड। आपको वेव वाला चूज़ कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको एक रिमिक्स वाला चूज़ कर लेना, कोई सा भी। मैं ये वाला ले लेता हूँ। आप चाहते हो खुद की कोई वीडियो इंक्लूड करना, तो यहाँ से सेलेक्ट करके इसके ऊपर दोबारा टाइप करके कोई सी भी एक ब्राउज़र से वीडियो अपनी ले सकते हो। मैं ये ले लेता हूँ। आप नीचे टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, इसके भी आप टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने और भी ऐसे रिमिक्स के आ जाएंगे। मुझे ये थर्ड वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं थर्ड वाला ले लेता हूँ। उसके बाद में आपके नीचे करेक्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर भी आप क्लिक करके अपना कोई करेक्टर चूज़ कर लेना। मैं अपना करेक्टर आलोक चूज़ कर लेता हूँ। उसके नीचे आपको जनरेट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप उससे पहले नीचे करना है। नीचे करने के बाद आप ओरिजिनल की जगह ग्रीन कर देना है, V2 को सेम रहने देना है। उसके बाद में जनरेट करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, थोड़ा लोडिंग लेगी साइड। लोडिंग लेने के बाद में आपके सामने एक क्लिप आ जाएगी। इस क्लिप को एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये क्लिप ऐसी है कि इसके बाद में गाइस आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं इसको एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। तो भले इस क्लिप को डाउनलोड करने के बाद में अपनी वीडियो का 50% काम हो चुका है। अब 50% एडिटिंग का रह गया है। भाई लोग, मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो आपको भी मेरे लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलता है, और मैं उसी मोटिवेट से आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो भाई लोग, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कर लेते अपन कैपकट ऑन। मैं भी कैपकट ऑन कर रहा हूँ, आप भी कर लेना, और VPN जरूर जोड़ लेना, वरना उसकी तरफ से वो चलेगा। आपको कैपकट ऑन करने के बाद में अपनी क्लिप ऐड कर लेनी है। मैं भी अपनी क्लिप ऐड कर लेता हूँ। तो भाई लोग, आपको मैं ये वाली क्लिप भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आपको वहाँ से ले लेनी है। विदाउट किसी कॉपीराइट के आप इसको यूज़ कर, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो भाई लोग, आपको अपनी वीडियो का जो रेशो है 1.1 रख लेना है। उसके बाद में इसको अच्छे से एक बार जूम कर लेना है। मैं भी एक बार जूम कर रहा हूँ, आपको वैसे ही जूम कर लेना है। उसके बाद में भाई लोग, आपको इसके एक बार क्लिप को फ्रीज कर लेना है, जिससे ये क्लिप एक बार लंबी हो जाएगी। इसको एक बार एडजस्ट कर लेना है, अपनी जो क्लिप है उसको एक बार आप ले लेना है। वो कितने सेकंड की है उससे आपको वो पता चल जाएगा। मैं अपनी क्लिप ले लेता हूँ। मेरी जो क्लिप है वो 16 सेकंड की है, आप देख सकते हो मेरी क्लिप है वो 16 सेकंड की है। आप इसको 16 सेकंड के हिसाब से मैं एक बार कवर कर लेता हूँ। आपकी जो क्लिप होगी उसके हिसाब से उसको कवर कर लेना। सो भाई लोग, हम इसको एक बार एडिट कर लेते हैं। एडिट का ऑप्शन आपको कैपकट में मिल जाएगा। उसके बाद में इसको क्रॉप कर लेना है। इसके जो वेबसाइट का जो नाम दिखाई दे रहा है, हमें इसके वेबसाइट का नाम नहीं दिखाना है। इसको अच्छे से क्रॉप करने के बाद में आपको इसी के अंदर एक कटआउट का ऑप्शन मिलेगा। ये देखो गाइस, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसको क्रोमा की पे जाके ग्रीन स्क्रीन पे एक बार सेट कर देना है। उसके बाद में भाई लोग, आपको एक बार इंटेंसिटी को फुल कर देना है, और शेडो को 46 रख देना है। मैंने शेडो को 46 रखा है। उसके बाद भाई लोग, आपको इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। मैं भी बस इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, और इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। ऐसे ही एडजस्ट करना है, जिससे आपकी क्लिप ऐसे डांस करती दिखे तो आगे आती हुई दिखेगी। उसके बाद में गाइस, आपको इसका एक काम करना है, जो इसका क्लिप है ग्रीन स्क्रीन वाले का, इसका ऑडियो निकाल लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन आएगा, इसको आपको कर लेना है। उसके बाद में भाई लोग, आपको क्या करना है, जो आपकी जो ग्रीन स्क्रीन की क्लिप है ना, इसको एक बार कॉपी कर लेना है। आप जब उसको आप साइड की तरफ से चलाओगे तो आपको यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको एक बार आप अच्छे से एक बार कॉपी कर लेना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद भाई लोग, आपको क्या करना है, इसको है ना ओवरले ले लेना है। ओवरले लेने के बाद इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक बार साइड में एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट का ऑप्शन मिलने के बाद में आपको इसको रोटेट कर देना है। ये इसको हम रोटेट कर देते हैं।
तो भाई लोग आप इसको एक बार रोटेट करने के बाद में एक बार अच्छे से इसको एक बार एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसको। फिर इसके बाद आपको मिरर कर देना है, जैसे आपके एडजस्ट हो जाए उसके बाद आपको मिरर करने के बाद एक बार और एडजस्ट कर लेना है, जैसे ये देखो ऐसा लगेगा कि हाँ ये आपकी शेडो ही है। तो भाई लोग आपको उसके बाद में इसको एक बार ब्लाइंड कर लेना है, यहाँ पर आपको नीचे ब्लाइंड का ऑप्शन मिल जाएगा। ब्लाइंड करने के बाद आपको स्लाइड करना है, स्लाइड करने के बाद आपको एक सॉफ्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको सॉफ्ट के ऑप्शन को कम से कम आपको 50% पे रखना है। 50% पे रखने के बाद में आप इसकी शेडो देख सकते हो, ऐसे रियली शेडो बन रही है। ये बार मैं आपको चला के दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो ये आपको रियल शेडो लग रही है। उसके बाद में कैसे आपको क्या करना है, तो भाई लोग उसके बाद आपको क्या करना है, अगर इसको प्ले करके देख लेना है कि आपकी जो शेडो है आपके कैरेक्टर के साथ अच्छे से मूव कर रही है। तो भाई लोग उसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को एक बार एक्सपोर्ट कर लेना है। मैं भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और इसका जो रिकमेंडेशन है उसको एक बार हाई पे रख लेता हूँ। हाई पे रखने के बाद में आपको एक बार एक्सपोर्ट कर लेना, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या करना है। तो भाई लोग आपकी वीडियो को एक बार अच्छे से एक्सपोर्ट करने के बाद में आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद में जो आपकी जो वीडियो है जो आपने एक्सपोर्ट की है उसको ले लेना है। उसको लेने के बाद में जो आपकी जो वीडियो का जो साउंड हमने साथ में लिया था उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि हम इस क्लिप को एडिट करेंगे तो वो सॉन्ग भी कट होता जाएगा, इसलिए इसको एक्सट्रैक्ट हमें कर लेना है पहले। उसके बाद भाई लोग आपको क्या करना है, जो इसका रेशो है उसको आप चेंज करना है। इसका रेशो हम रखते हैं 9:16 का रेशो रखते हैं, और इसको एक बार अच्छे से एक बार आपको एडजस्ट भी कर लेना है कि बराबर कर लेना है, गैप नहीं रहना चाहिए। सो भाई लोग इतना काम अपना हो चुका है, इसके बाद हमें इसकी क्वालिटी को भी तो बढ़िया रखना है। इसकी क्वालिटी को बढ़िया रखने के लिए पहले हम इसके इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। इफेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद थोड़ा सा जब स्लाइड करोगे, स्लाइड करने के बाद में आपको लेंस का ऑप्शन मिलेगा। लेंस के ऑप्शन में आपको HDR का भी ऑप्शन मिलेगा, HDR पे क्लिक कर देना। फिर इसके हम इसकी सेटिंग करते हैं। इसकी सेटिंग करने के बाद आपको रेंज को नहीं छेड़ना है, आपको ग्लो को भी नहीं छेड़ना है, आपको फिल्टर को छेड़ना है। फिल्टर को आपको 64 रख देना है, और जो इसका साइज़ है उसका साइज़ हमें 50 रखना है, और किसी को मत छेड़ना, साइज़ का 50 रख देना। इसको रखने के बाद में इसके जो वीडियो की जो अपनी लेंथ है उसको इसके बराबर कर दो। हेलो, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके नीचे का एडजस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ जब नीचे एडजस्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट को अपन को 10 रख देना है, इससे ज़्यादा मत रखना। और जो इसका शार्पन है हम इसको 15 रख देते हैं, मैंने 15 रखा, अभी इसको 15 रख देना। उसके बाद भाई लोग आपको HSL में जाना है। HSL के बाद जाने के बाद आपको जो पीला वाला ऑप्शन है इनको 10-10 रख देना है बराबरी में। इसके बाद आपको विग्निटी को मत छेड़ना, जो ग्रीन है उसको आपको 15 रख देना है, जिससे कि क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी। तो भाई लोग अपनी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, हमने इसको अच्छे से एडिटिंग कर लिया है। इसके बाद में आपको एक बार एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद एक बार यूट्यूब पे आ जाना है। जो मैंने फ्री टू यूज़ फनी क्लिप्स जो यूज़ की थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यूट्यूब के सर्च बार पर जाना है, सर्च बार में आपको सर्च करना है हक दो हिलारी। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। सॉरी गाइस, हक दो नहीं, हको हिलारी डांस, ये आप सर्च करना। इसके बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद में आपको जो फर्स्ट क्लिप है वो मैंने यूज़ की थी, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में कैसे आपको क्या करना है, आपको ये नीचे तो फनी क्लिप्स भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे आप सर्च करोगे फनी क्लिप्स, उसके बाद में आपके सामने में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, इसमें से आप कोई सी भी क्लिप यूज़ कर सकते हो। तो हेलो, आपको इतनी सारी यहाँ पर फनी क्लिप दिख रही है, आप इसको आराम से अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हेलो, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि मैं कोई दो चैनल को जरूर प्रमोट करूँगा, वो मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में प्रमोट करूँगा। तो हेलो, आपको उससे पहले इस वीडियो में एक कोड डालना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, वो कोड आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। और जो दो चैनल होंगे पहले कमेंट करने वाले, इस कोड को मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रमोट करूँ। तो भाई लोग, आप भी चाहते प्रमोट होना तो जल्दी से जल्दी जाके मेरी इस वीडियो में कमेंट करो जो मैं। तो भाई लोग, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेट मिलता है। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए मुझे कमेंट करो कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए।